की बात करें तो अलग अलग तरीके से क्लासिफिकेशन किया गया है। जैसे मान लो कि फिशेज कहाँ रह रही है, मतलब कितनी सैलिनिटी को टॉलरेट कर पा रही है। फिर उनको हम लोग कल्चर किस तरीके से कर रहे हैं, हम एक फिश को साथ में ले रहे हैं, हम बहुत सारी फिशेज साथ में ले रहे हैं, हम लोग उनको किस टाइप के एरिया में कल्चर कर रहे हैं। तो इन डिफरेंट डिफरेंट पैरामीटर्स के बेसिस पे अलग अलग क्लासिफिकेशन किए गए। जैसे पहला सिंपल सा क्लासिफिकेशन क्लासिफिकेशन क्या है, सैलिनिटी का, ठीक है। सिंपल क्लासिफिकेशन जो फर्स्ट है डेट इज योर ऑफ सैलिनिटी। देखो आपको नॉर्मल जैसे आपकी रिवर है ना, आपकी रिवर आ रही है, फिर रिवर फाइनली क्या होता है, कई सारी रिवर ऐसे आपस में मिक्स करती रहती हैं और लास्ट में वो जाके ओशियन में मिल जाती हैं, ठीक है, सी या ओशियन में मिल जाती हैं। तो जो रिवर है हमारी, रिवर क्या होती है, जनरली आपकी फ्रेश वाटर होती है, ठीक है। रिवर कैसे बनती है, जो हिमालयाज में, इंडिया की बात कर रहे हैं तो जो जनरली हिमालयाज में ग्लेशियर वगैरह है वही मेल्ट हो रहे हैं, है ना। तो एकदम फ्रेश वाटर है, इनमें सॉल्ट कंसेंट्रेशन काफ़ी कम रहेगा, ना के बराबर सॉल्ट कंसेंट्रेशन रहेगा। तो जो फिशेज आपको यहाँ देखने को मिलेंगी उनको हम क्या बोल देंगे, फ्रेश वाटर फिशेज। इंपॉर्टेंट इसमें है इनके एग्जाम्पल्स, है ना, जैसे आपकी इंडियन मेजर कार्प्स वगैरह है ना, ये सारी आपकी जो है फ्रेश वाटर फिशेज के इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल हैं जो हम अगली स्लाइड में देखेंगे। और मेन हमें यहाँ से इनके एग्जाम्पल्स याद रखने हैं। फिर कुछ फिशेस क्या होंगी जो यहाँ पे थोड़ा सा रीजन आएगा ना, जो एग्जैक्टली ओशियन में भी नहीं है बट रिवर के भी लगभग एंड एंड में आ रहा है, मतलब सी वाटर यहाँ पे थोड़ा सा डाइल्यूट हो जाएगा, थोड़ा सा मिक्सअप होगा। तो यहाँ पे जो सैलिनिटी है वो आपकी फ्रेश वाटर से थोड़ा सा ज़्यादा देखने को मिलेगी, बट अगर आप कंपेरिजन कर लोगे डायरेक्ट ओशियन या सी से तो उससे इसकी सैलिनिटी थोड़ा सा कम होगी, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपके फिशेज रहती है उनको हम जनरली क्या बोल देते हैं, ब्रैकिश वाटर, है ना, ब्रैकिश वाटर। इस एरिया को यूस्टेराइन बोलते हैं, है ना, यूस्टेरिसिस बोलते हैं, आगे हम लोग ये सब पढ़ेंगे डिस्कस करेंगे। बट ये आप समझ सकते हो कि सैलिनिटी जो यहाँ पे है मॉडरेट लेवल पे है, तो इसको हमने बोल दिया जो ब्रैकिश वाटर फिशेज है। और फिर आपकी आ जाएंगी क्या, मेरीन फिशेज, जो आपकी कहाँ रहेंगी, आपकी सी या ओशियन में रहेंगी, वो हो गई आपकी मेरीन फिशेज, ठीक है। तो ये तो सिंपल्स है सैलिनिटी के बेसिस में, इसके एग्जाम्पल्स इंपॉर्टेंट है ना, इनके एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है। तो वही चीज़ लिखा हुआ है कि जो आपकी रिवर कंडीशन में है, लेक्स वगैरह में रहेंगी, वो आपकी क्या हो गई, फ्रेश वाटर फिशेज हो गई। इसमें वही लिखा है कि आपकी इंडियन मेजर कार्प्स आर मोस्ट कल्चर्ड फ्रेश वाटर फिशेज, ठीक है। तो दो क्वेश्चन में आपको इंडियन मेजर कार्प का भी क्वेश्चन आया हुआ है पिछले साल, ठीक है, और आपका एक केज कल्चर से आया था, है ना, ठीक है। तो यहाँ से दो क्वेश्चन आए थे, तो इंडियन मेजर कार्प्स याद रखना आपकी मोस्ट कल्चर्ड फ्रेश वाटर फिशेज है, क्योंकि जो जनरली कार्प्स होती है ना उनमें आपकी तीन कार्प्स ऐसी हैं जिनका सबसे ज़्यादा कल्टीवेशन होता है, इसलिए उन्हें हम बोल देते हैं क्या, इंडियन मेजर कार्प्स। तो ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि आपकी इंडियन मेजर कार्प्स किसके अंदर आती है, आगे हम इसको और पढ़ेंगे इंडियन मेजर कार्प्स वगैरह के बारे में, इनके नाम वगैरह हर चीज़, फीडिंग हैबिटेट क्या है सब देखेंगे हम। बट अभी आपको इतना ध्यान रखना है कि इंडियन मेजर कार्प्स आर फ्रेश वाटर फिशेज, ठीक है, दीज आर फ्रेश वाटर फिशेज, ओके। उसके बाद आपकी एक्जोटिक कार्प्स भी है, आपकी कैट फिशेज भी हो, और आपकी ट्राउट है ना, ट्राउट भी आपकी बहुत इंपॉर्टेंट है। ट्राउट जनरली स्नो ट्राउट जो होती है आपको ये गंगा में आपको देखने को मिलेगी, ठीक है, स्नो ट्राउट, ये मतलब कैरेक्टरिस्टिक फीचर भी है, ये यहीं पर रहती है, एंडेमिक है गंगा की। खैर हम ये चीज़ें भी आगे देखेंगे, बट आपको ध्यान में रखना है इंडियन मेजर कार्प्स, ठीक है। ट्राउट आपको याद हो जाएगा आगे, जो भी आपकी कार्प्स हैं इंडियन मेजर कार्प, एक्जोटिक कार्प्स, जनरली आपकी कैट फिशेज भी हो गई और आपकी क्या हो गई, ट्राउट हो गई, ठीक है। उसके बाद आपको ये सारे एग्जाम्पल ध्यान में रखने हैं, है ना। महसीर अगर याद होगा पिछले लेक्चर में एक बार देखा था, आज भी एक बार देख लेंगे, बड़ी सी जो फिश थी जो अभी इनडेंजर्ड होने लगी है, ठीक है। इसको रिवर टाइगर भी ऐसा कुछ नाम इसका है, काफ़ी बड़ी फिश होती है बट अभी थोड़ी सी इनडेंजर्ड है, बट ये भी आपकी क्या है, फ्रेश वाटर फिशेज है। सारे एग्जाम्पल्स आपको याद रखने हैं, ठीक है। ब्रैकिश वाटर हमने क्या कहा, जो आपका सी से थोड़ा सा पहले का एरिया आ गया रिवर का, जहाँ पे आपका एकदम फ्रेश वाटर भी नहीं है बट बहुत ज़्यादा सेलाइन भी नहीं है, मिक्सअप है, तो वो हो गया आपका क्या, ब्रैकिश वाटर फिशेज, ठीक है। तो यही यूस्टेरिसिस जो लिखा हुआ है, ठीक है, इसको हम पढ़ेंगे आगे कि यूस्टेरिसिस क्या होता है, ठीक है। मैंग्रोव वाटर वेज, मैंग्रोव अगर आपने वेस्ट ऑफ बंगाल का सुना हो, सुंदरबन है ना, जहाँ मैंग्रोव्स हैं, गोवा में भी मैंग्रोव्स हैं, तो वो भी जनरली आपको सी के पास देखने को मिलेंगे, वो सैलिनिटी अच्छा खासा टॉलरेट कर लेते हैं, तो वो एरियाज भी आपका कह सकते हो कि ब्रैकिश वाटर वहाँ पे हो गया, ठीक है। इनके भी एग्जाम्पल्स आपको याद रखने, ठीक, एग्जाम्पल्स याद रखने हैं। आगे हम लोग कोशिश करेंगे एग्जाम्पल्स कैसे याद किया जाए, इमेजेस देख के याद करें, रट्टा मारे जैसे भी, ठीक है, पर अभी आपको एग्जाम्पल्स याद रखने हैं, मुलेट, मिल्क फिश, सी बेस, पर्ल स्पॉट हो गया, ठीक है, सारे एग्जाम्पल्स ध्यान में रखने हैं। और मरीन फिशेज के भी बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स हैं जो प्रॉपर आपके क्या करेंगे, सैलिनिटी टॉलरेट
कर सकते हैं। ठीक है, देखो ऐसा भी कोई ऐसा भी नहीं है कि आपकी जो फिशेज है वो सिर्फ सेलिनिटी में आपका मेरीन में ही रहेगी, कभी फ्रेश वाटर में नहीं आ सकती। कुछ फिशेज होती हैं जो थोड़ा थोड़ा दोनों टॉलरेट कर लेती है, फ्रेश से आपका वो क्या करती है मेरीन इन्वायरमेंट में माइग्रेट कर सकती है, कुछ फिशेज मेरीन से फ्रेश वाटर में भी माइग्रेट कर सकती है, तो थोड़ा सा क्या कर सकती है सेलिनिटी टॉलरेट कर सकती है। ये सब चीज़ें हम आगे जाके पढ़ेंगे। ठीक, तो अभी आपको ध्यान में रखना है कि जो कम्प्लीटली फ्रेश वाटर फिशेज है, जो जनरली फ्रेश वाटर में रहेंगी, उनके इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल इंडियन मेजर कार्प हो गया, आपका कैट फिशेज हो गया, स्नो ट्राउट्स वगैरह ये सारे हो गए, महसीर हो गया, ब्रैकिश वाटर फिशेज के एग्जाम्पल्स भी याद रखने हैं, और मेरीन के एग्जाम्पल्स याद होगा तो हमने पिछली बार सार्डिन्स की भी, मैक्रेल हो गया आपका, है ना, एंचोवीज हो गया, इन सब की हमने वो भी देखी थी, इमेजेस भी देखी थी। ठीक, तो सारे एग्जाम्पल्स इंपॉर्टेंट है, याद में रखने हैं। ठीक है, सार्डिन हो गया, मैक्रेल हो गया, रिवन फिश, एंचोवीज, कोबिया, ट्यूना वगैरह, ये सारी आपकी क्या है मेरीन फिशेज है, इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स हैं, सब के सब याद रखने हैं। ओके ठीक है, तो ये ऑन द बेसिस ऑफ सेलिनिटी था, कुछ है नहीं यहाँ पे इंपॉर्टेंट, इंपॉर्टेंट है इनके एग्जाम्पल्स, ये आपको याद होने चाहिए। ठीक है, दूसरा आपका क्या है, ऑन द बेसिस ऑफ इंटेंसिटी, है ना, इंटेंसिटी से आपको मतलब समझ में आ रहा होगा। इंटेंसिटी मतलब क्या हुआ, देखो हम एक्सटेंसिव वाले से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, एक्सटेंसिव वाले से, ये जो फर्स्ट वाला है ना, आप मान लो कि आपका कौन सा वाला है, एक्सटेंसिव, एक्सटेंसिव जनरली ये साइज के हिसाब से आपका, जैसे आपका हम एक्सटेंसिव वाले की बात करते हैं तो ये आपका 1 हेक्टेयर से लेके 5 हेक्टेयर तक इस पॉन्ड का एरिया होता है। ठीक, जैसे मान लो आपका ये पॉन्ड है, इसका एरिया हमने कितना बोला 1 से लेके 5 हेक्टेयर, ठीक है, 1 से लेके 5 हेक्टेयर तक इसका एरिया होता है। अब देखो एरिया 1 से 5 हेक्टेयर, अगर हेक्टेयर का आइडिया है तो बहुत ज़्यादा बड़ा पौंड है ना, बहुत ही ज़्यादा बड़ा पौंड है, 1 हेक्टेयर बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, तो 1 से 5 हेक्टेयर तक का पौंड है, तो इसमें जो बात करें तो हम लोग, तो इसमें एक्वेटिक प्लांट्स वगैरह भी काफ़ी सारे ग्रो होंगे, मतलब कहना ये चाह रहा हूँ कि इसमें फिशेज के लिए फूड की कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है कि आपको एक्सटर्नल फीड वगैरह देना पड़े। ठीक है, एरिया बहुत ज़्यादा है, एक्वेटिक प्लांट्स भी खुद से ग्रो होंगे, इसमें आपको बहुत ज़्यादा मैनेजमेंट की जरूरत नहीं है, फिशेज खुद से ग्रो हो जाएंगी। ठीक है, हो सकता है कुछ डिसीज फैल जाए तो वो भी आपकी बहुत ज़्यादा हो सकता है ना फैले। ठीक है, कुछ फिशेज की मोर्टिलिटी हो गई तो फिर कुछ फिशेज वहाँ पर स्पॉन वगैरह कर जाएंगी। ठीक, ऐसा नहीं है, अगर आपकी डिसीजेज फेल रही है तो थोड़ा ध्यान तो आपको देना ही पड़ेगा, बट इन कंपैरिजन टू बाकी सिस्टम ना, जहाँ पे आपकी फिशेज बहुत ज़्यादा क्लोज होती है, वहाँ पे डिसीज क्या होगी, बहुत ज़्यादा फास्ट स्प्रेड करेगी। इस केस में क्या है, आपका एरिया बहुत बड़ा है, तो अगर आप कोई पर्टिकुलर एरिया उठा के देखोगे ना, तो आपको फिशेज क्या होंगी, थोड़ी सी कम देखने को मिलेंगी। ये आपका 1 से 5 हेक्टेयर हुआ, अगर आपका पौंड हम थोड़ा सा छोटा कर देते हैं, 1 हेक्टेयर से छोटा कर दिया हमने, 5.5 से लेके 1 हेक्टेयर करम, तो वो आ गया आपका किसमें, सेमी इंटेंसिव। ठीक है, सेमी इंटेंसिव, जैसे जैसे हम नीचे की तरफ जा रहे हैं आपका एरिया क्या हो रहा है, कम होता जा रहा है, तो आपकी जो फिश है वो पर्टिकुलर एरिया में बढ़ती जाएंगी। ठीक है, यहाँ पे अगर आप इस वाले में इतने एरिया में देखोगे, आपको जैसे 2 फिशेज दिख रही हैं, ठीक है, इतने में अगर आप इधर देखोगे तो आपको 3-4 फिशेज दिख जाएंगी, और अगर आप और नीचे आओगे तो आपको ज़्यादा फिशेज दिखती रहेंगी, क्योंकि जितना हम एरिया कम करते जा रहे हैं उतनी ज़्यादा फिश क्या हो रही है, उनको स्पेस कम होता जा रहा है। ठीक है, तो ये एक चीज़ हो गई। दूसरा, एरिया बहुत ज़्यादा था, एक्वेटिक प्लांट यानी उनके लिए नेचुरल फूड जो है इट इज़ सफिशियंट, कुछ एक्सटर्नल फीड देने की जरूरत नहीं है। प्राची, आपका माइक ऑन रह गया है। सेमी इंटेंसिव की बात करें तो वहाँ भी आपका जनरली सफिशियंट फूड अवेलेबल हो जाता है, मोस्ट ऑफ द केसेस में आपको अप्लाई करने की जरूरत नहीं है। कुछ कह रहे हो प्राची आप? सबको नहीं आ रही है क्या? आ रही है ना? ओके प्राची, अब आ रही है आवाज? वॉल्यूम फास्ट करो थोड़ा सा प्राची। आप एक बार एक काम करो, आप दोबारा ज्वाइन करो, ठीक है, आप दोबारा ज्वाइन करो, क्योंकि आई थिंक बाकी सबको तो आवाज़ आ रही है, बाकी लोग भी बताओ जल्दी से, आवाज़ आ रही है सबको? ठीक है, आ रही है, ओके गुड। ठीक है प्राची, आप एक बार दोबारा ज्वाइन कर लो, हो सकता है कुछ वहाँ से उधर से प्रॉब्लम हो ना, यहाँ से तो ठीक है। एक्सटेंसिव, सेमी इंटेंसिव एंड इंटेंसिव, ठीक है, नाम से समझ में आ रहा है, इंटेंसिव मतलब क्या हुआ, बहुत सारी फिशेज को हम लोग कम स्पेस में ग्रो कर रहे हैं, इंटेंसिव का मतलब यही तो होता है। ओके, तो इसका मतलब यहाँ पे फिश की जो डेंसिटी है वो ज़्यादा होगी, है ना, डेंसिटी मतलब कितने स्पेस में कोई चीज़ कितनी प्रेजेंट है, तो इसमें डेंसिटी क्या होगी, ज़्यादा होगी, और डेंसिटी ज़्यादा है, एरिया कम है,
तो यहाँ पे क्या होगा, इनके लिए फूड सफिशियंट नहीं होगा, आपस में कॉम्पीट करने लगेंगी, तो ऑब्वियसली आपको एक्सटर्नल फीड इसमें आपको देना पड़ेगा, ठीक है। और इसमें आप फिश काफ़ी सारी ग्रो कर रहे हो तो ऑब्वियसली आपका बेनिफिट भी क्या होगा, ज़्यादा होगा, है ना। फिशेज ज़्यादा हैं, बेनिफिट भी आपका ज़्यादा होगा। तो एक बेसिक कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा, एक्सटेंसिव क्या हुआ, सेमी इंटेंसिव क्या हुआ और इंटेंसिव क्या हुआ। सबसे पहली चीज़ तो इनका एरिया ही इंपॉर्टेंट है ना, ठीक है। ये मैं थोड़ी सी यहाँ पे ब्लर है ना, इसको मैं मुझे खुद ही बनाना पड़ेगा, जो भी है खैर बाद में कर देंगे। यहाँ पे आपका एक्सटेंसिव लिखा है, यहाँ पे सेमी इंटेंसिव है और यहाँ पे इंटेंसिव है। पहला जो आपका ट्रायंगल दिख रहा है, ट्रायंगल मतलब समझ रहे हो ना, नीचे की तरफ जब जा रहे हो ना तो ये इंक्रीज करता जा रहा है। सबसे पहली चीज़ लिखी है फिश डेंसिटी, या फिर स्टॉकिंग डेंसिटी बोल दिया हमने उसी को। जैसे जैसे हम नीचे की तरफ जा रहे हैं इंटेंसिव की तरफ, तो फिश डेंसिटी क्या होगी, इंक्रीज होगी, है ना, बढ़ेगी, ठीक है। और नेचुरल पॉन्ड फूड मतलब जो फूड की अगर हम बात करें, तो फूड हमने क्या कहा, एरिया ज़्यादा है, प्लांट्स अच्छे से ग्रो हो रहे हैं, ठीक है। तो इसमें क्या है, जैसे जैसे आप नीचे जा रहे हो तो फूड इनके लिए नेचुरल फूड की बात करें तो कम होगा। आपको क्या करना पड़ेगा, आपको अप्लाई अलग से फीड फिशेस को देना पड़ेगा, है ना, प्रोटीन वगैरह के सप्लीमेंट फिशेस को देने पड़ेंगे, ठीक है। आर्टिफिशियल फीडिंग वही बात है कि आपको क्या करना पड़ेगा, इंटेंसिव के केस में आर्टिफिशियल फीडिंग करानी पड़ेगी, ठीक है। बाकी वही चीज़ इधर लिखी हुई है, आपका ससेप्टिबल टू डिसीजेस, इंटेंसिव मतलब जितनी ज़्यादा क्लोज है डिसीजेस उतनी ज़्यादा फैलने के चांसेज उनमें रहेंगे, ठीक है। तो ये सारी कुछ चीज़ें हैं, ये आपका नेक्स्ट स्लाइड में इसी के बारे में है आपका, ठीक है। तो आपका जैसे एक्सटेंसिव हो गया, लीस्ट मैनेज सिस्टम, आपको इतना ज़्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है। वैसे भी आपका पॉन्ड इतना बड़ा है कि आपका एक्सपेंसिव ही बहुत ज़्यादा आ जाएंगे, ठीक है। तो फिशेज वहाँ पे खुद से ग्रो हो रही है, इतना ज़्यादा इसमें मैनेज करने की आपको रिक्वायरमेंट नहीं है। इसमें इंपॉर्टेंट है आपको इसका एरिया ध्यान में रखना है, 1 to 5 हेक्टेयर, ठीक है। स्टॉकिंग डेंसिटी 0.5 फिश के हिसाब से पर मीटर स्क्वायर के हिसाब से बात कर दिए, ठीक है। मतलब जो आपका वन पॉन्ड का एरिया है उसमें अगर सिर्फ एक की बात कर लेना, एक मीटर स्क्वायर में कितनी फिशेज है, तो उसके हिसाब से बात कर ली है, या फिर अराउंड आपके 5000 पर हेक्टेयर आ गया ना, कन्वर्ट करोगे तो लगभग इतना ही आ जाएगा। 10,000 से तो मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि एक हेक्टेयर में 10,000 मीटर स्क्वायर है ना। जब हमने सॉइल भी पढ़ा था वो यूनिटरी मेथड लगाया था, सिंपल सा यूरिया वगैरह सब कैलकुलेट करने के लिए, है ना। वो चीज़ छोड़े, कुछ कैलकुलेट नहीं करना, आपको बस ध्यान में कितना रखना है, 5000 या फिर 0.5 पिक्स पर स्क्वायर मीटर, ठीक है, ठीक है। हाँ, बाकी वही कहानी लिखी है जो हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, हार्वेस्टिंग इसकी इतनी है, और जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे तो डेंसिटी और हार्वेस्टिंग दोनों आपका क्या होगा, इंक्रीज होता जाएगा, ठीक है। तो वही कहानी आ गया, सेमी इंटेंसिव में भी आपको ध्यान में रखना है। देखो सेमी इंटेंसिव इन दोनों के बीच में आ गया, तो सेमी इंटेंसिव का अगर हमको याद है 0.5 से 1 हेक्टेयर तो फिर ईजी हो गया, 1 हेक्टेयर से ज़्यादा होगा तो वो आपका किस में आ गया, एक्सटेंसिव में आ गया, और आपका 0.5 हेक्टेयर से कम होगा तो आपका इंटेंसिव में आ गया, ठीक है। ऐसे आप फिशेज पर हेक्टेयर के हिसाब से भी याद कर सकते हो, इससे थोड़ा सा कम होगा तो आपको एक्सटेंसिव में देखने को मिलेगा, और फिश डेंसिटी ज़्यादा होगी तो आपकी इंटेंसिव में आ जाएगा, ठीक है। तो ये भी चीज़ ध्यान रखना। बाकी वही कहानी रखी है कि नेचुरल फूड हो सकता है कि मोस्ट प्रोबेबली आपका वहाँ प्रेजेंट हो, नहीं है तो आपने थोड़ा फर्टिलाइजर ऐड कर दिया। फर्टिलाइजर किसके लिए, मतलब उसमें एक्वेटिक प्लांट्स के लिए थोड़ा सा न्यूट्रिशन होगा तो थोड़ा अच्छा ग्रो करेंगे, तो फिशेज को फीड वगैरह मिल जाएगा, तो आप थोड़ा बहुत ये कर सकते हो, ठीक है। हाँ, पर श्रिम्प वगैरह के केसेज में आपको फीडिंग उसको करानी पड़ेगी। और इंटेंसिव की बात करें, वेल मैनेज सिस्टम है, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट लाइन है, ध्यान देना। उधर लीस्ट मैनेज था, इंटेंसिव में आप आओगे बहुत सारी फीचर्स है, बहुत कम एरिया है, तो आपको बहुत ध्यान देना पड़ेगा। वेस्ट मटेरियल ठीक से रिमूव हो रहा है नहीं हो रहा है, ऑक्सीजन उनको ठीक से मिल रहा है नहीं मिल रहा, क्योंकि उनकी हर चीज़ की डिमांड ज़्यादा है, उनकी फीडिंग की डिमांड ज़्यादा है, हर चीज़ की डिमांड ज़्यादा है, तो इट इज़ अ वेल मैनेज सिस्टम, ठीक है। स्टॉकिंग डेंसिटी काफ़ी ज़्यादा है यहाँ पे, 10 से लेके 50 फीस पर मीटर स्क्वायर तक देखने को मिल सकती है, और स्टॉकिंग डेंसिटी ज़्यादा है तो इनका क्या होगा, इनकी हार्वेस्टिंग भी ज़्यादा देखने को मिलेगी, ठीक है। तो ये भी याद रखना। पहला हमने कौन सा पढ़ा, सैलिनिटी के बेसिस में कौन कौन से, फ्रेश, ब्रैकिश एंड आपका मैराइन, ठीक है। उसके बाद हमने देखा क्या, ऑन द बेसिस ऑफ इंटेंसिटी, सबसे कम जिसमें स्टॉकिंग डेंसिटी डेट इज योर एक्सटेंसिव, उससे ज़्यादा हो गया सेमी इंटेंसिव, और उससे और ज़्यादा हो गया डेट इज योर इंटेंसिव, ठीक है। इतना क्लियर ना, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। देखो ये वही कहानी लिखी हुई है यहाँ पे, देखो आपका वही चीज़ है कि आपका अगर इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट की बात करें, इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट की बात करें या फिर पोल्यूशन की बात करें, तो जैसे जैसे अपन एक्सटेंसिव से आपका इंटेंसिव की तरफ जा रहे हैं तो आपका पोल्यूशन क्या होगा, बढ़ता जाएगा, क्योंकि आपको आर्टिफिशियल फीडिंग ज़्यादा दे रहे हो, आपकी जो फिशेज है वो वेस्ट मटेरियल भी ज़्यादा ज़्यादा रिलीज कर रही हैं, तो ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है। तो इससे क्या होगा, आपका पोल्यूशन वगैरह भी बढ़ता जाएगा। आपका जो इंटेंसिव सिस्टम है ना, ये जनरली आपका केज कल्चर वगैरह में ज़्यादा यूज होता है, केज कल्चर हम लोग आगे देखेंगे, है ना, कि काफ़ी कम एरिया में आप लोग कई सारी फिशेज को ले रहे हो, ठीक है। तो ये चीज़ें थी इस इंटेंसिटी के बारे में।
ठीक है, क्या है ऑन द बेसिस ऑफ स्पीसीज स्टॉक्ड फॉर फार्मिंग, मतलब क्या लिखे, हाँ बेसिस ऑफ स्पीसीज या फिर नंबर ऑफ स्पीसीज आप एक तरीके से कह सकते हो, ये तो और भी ज़्यादा सिंपल है। आप एक सिंगल फिश को ही ग्रो कर रहे हो, मान लो आप इंडियन मेजर कार्प को ही सिर्फ ग्रो कर रहे हो और कोई फिश साथ में नहीं ले रहे हो तो क्या हो गया, मोनोकल्चर। और आप एक से, आप दो से ज़्यादा फिशेज ग्रो कर रहे हो एक साथ तो क्या हो गया, पॉलीकल्चर हो गया। ठीक है, तो मोनोकल्चर है आपका और दूसरा क्या है आपका, पॉलीकल्चर है। ठीक है, इनके कुछ एग्जांपल लिखे हुए हैं। देखो इनमें मेन चीज़ क्या है ना, ये थोड़ा सा ध्यान में रखना है, मेन चीज़ क्या है, हमको क्या कंसिडर करना है, एक तो उनका फीडिंग हैबिटेट थोड़ा सा वेरी करेगा तो अच्छा है ना, ताकि वो आपस में कॉम्पीट ना करें फीडिंग के लिए। ठीक है, दूसरा ऐसा भी नहीं है कि वो एक दूसरे की प्रीडेटर हों, वरना तो क्या फ़ायदा, वो एक दूसरे पे अटैक करेंगी। तो ये सारी चीज़ें मैं देख रहा हूँ उनकी कंपेटिबिलिटी क्या है ना। और एक और चीज़ लिखी है कि मार्केटिंग साइज भी इनका क्या होना चाहिए, एक ही टाइम पे लगभग आ जाना चाहिए, वरना आप उस टाइम पे आपको हार्वेस्टिंग में दिक्कत होगी, क्योंकि दूसरी मान लो आपकी यंग स्टेज में और एक आपकी पूरी मैच्योर हो चुकी है, तो यंग वाले भी किल होते जाएंगे, क्योंकि आप एक एक को चूज करके तो नहीं पकड़ सकते, आप नेट से एक ही साथ जनरली फिश ले लेते हो। तो ये वही सारी चीज़ें हैं। ठीक है, बाकी बस यही कहानी यहाँ पे लिखी है और कुछ नहीं है। ठीक है, तो इसमें भी ऐसा कुछ खास नहीं है, मोनोकल्चर में कुछ एग्जाम्पल दे रखे हैं, आपकी ट्राउट्स वगैरह, कैट फिशेज वगैरह हो गई, ठीक है, आपकी मेजर कार्प्स हो गई है ना, जैसे तीन मेजर कार्प्स है तो तीन तीनों का फीडिंग हैबिटेट थोड़ा सा डिफरेंट, डिफर भी वेरी भी करता है। ठीक है, तो वही चीज़ है आपकी, और इसके हिसाब से कुछ एग्जाम्पल्स भी है। ठीक है, ऐसा जनरली ऐसा पूछा तो नहीं है, बट ध्यान में एटलीस्ट होना चाहिए हमको। ठीक है, स्पेशली इंडियन मेजर कार्प्स के रिगार्डिंग थोड़ा सा ध्यान में रखना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट फिश है ये। ठीक है, ठीक है, ऐसा कुछ खास नहीं है इसमें, है ना, इससे थोड़ा सा फास्ट भी चल रहा हूँ, इतना कुछ है नहीं अभी तक, ऐसा कुछ तो नहीं था। ठीक है, ऑनलाइन वालों आ रहे हैं समझ, बढ़े ना आगे। ओके, अब देखो इम्पोर्टेंट चीज़ आ रही है, एक ऑन द बेसिस ऑफ इंक्लोजर यूज फॉर कल्चर। ठीक है, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, और पिछले साल IBPS AFO का क्वेश्चन भी यहाँ से एक पूछा गया था, है ना, कई लोगों का गलत भी हो गया था। ठीक है, तो यहाँ पे देखो इन्होंने आई थिंक ये जो क्वेश्चन है ना, ये हैंडबुक जो फिशरीज है, फिशरीज की हैंडबुक है, वहाँ से क्वेश्चन उठाया था, क्योंकि वहाँ पे लगभग सिमिलर सी लाइन लिखी हुई भी है। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ इंक्लोजर यूज्ड फॉर कल्चर, इंक्लोजर मतलब क्या हुआ, इंक्लोजर मतलब एक क्लोज एरिया है ना, किसी एरिया को आप क्लोज कर रहे हो, वही आपका क्या हुआ, इंक्लोजर। ठीक है, तो इसमें आप तीन टाइप है और तीनों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। ओके, एक है आपका पहला नॉर्मली है, ठीक है, पहला तो आपका ठीक है, चलो पॉन्ड, जो आपका पॉन्ड में हम लोग करेंगे कल्चर। ठीक, दूसरा आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्या, केज कल्चर, और तीसरा हो गया आपका क्या बताओ उमेश, तीसरा क्या हो गया, पेन कल्चर, है ना, आज की बात आएगी। ठीक है, सब आएगा। ठीक है, पौंड, केज कल्चर एंड पेन कल्चर। ठीक है, देखो पौंड की अगर हम बात करें तो पौंड आपका क्या हुआ, पौंड आपका क्या हुआ कि आपने वाटर पे कन्फाइंड एरिया में, ठीक है, आर्टिफिशियल आपने डाइक्स वगैरह बना के रोका हुआ है। ठीक है, इन पॉन्ड्स वाटर इज मेंटेन्ड इन इनक्लोज्ड एरिया बाय कंस्ट्रक्शन ऑफ डाइक या फिर बंड, है ना, जैसे आपका ये हो गया। ठीक है, यहीं पे आप ये देख रहे हो, जो यहाँ पे पूरा वाटर स्टोर किया हुआ है, ये आपका क्या है, पॉन्ड है ना। अगर आपके कॉलेज में फिशरी डिपार्टमेंट होगा तो वहाँ पे भी ऐसे पॉन्ड्स बने हुए रहते हैं, जहाँ पे वो जनरली फिशरी करते हैं, ठीक है, कल्चर करते हैं फिश का। तो पहला सिंपल सा पॉन्ड है आपको, इसमें इंपॉर्टेंट है बस ये ध्यान में रखनी है कि क्या है, इनक्लोज्ड एरिया है ना, कि चारों तरफ से क्या है, इनक्लोज्ड है। वैसे हर तरफ से भी इनक्लोज नहीं है, ऊपर से तो ये ओपन ही है, ठीक है, नीचे से भी जनरली हो सकता है कि जनरली नीचे से भी ओपन ही रहेगा। ठीक है, तो पर याद रखना इनक्लोज्ड एरिया है वाटर आपका, जनरली इनक्लोज्ड एरिया में बंड्स बना दिए, नॉर्मल है पॉन्ड्स में कुछ नहीं है। ठीक है, जो दिमाग में आ रहे पॉन्ड्स सुनते ही एग्जैक्टली वही चीज़ है, पर केज कल्चर में थोड़ा सा समझना है कि केज कल्चर क्या है। ठीक है, अगर ये नीचे दिख रहा होगा ना तो ये आपका केज कल्चर है। ठीक, कुछ नहीं है इसमें क्या किया आपने, कुछ आपने कुछ ऐसा यूज किया जो आपके फ्लोटिंग के लिए काम आएगा। ठीक है, आपका जो वाटर है उसमें किस चीज़ के काम आएगा, फ्लोट कराने के लिए काम आएगा। और इसमें क्या होगा, इसमें आपके नीचे ऐसे नेट लगे होंगे, ठीक है, आपके ये नेट लगे होंगे, नेट लगे होंगे, और नीचे से भी बंद होगा। ठीक है, जो नेट आप समझ रहे हो ना, ये आपका ऊपर से ये फ्लोटिंग स्ट्रक्चर है, फ्लोटिंग स्ट्रक्चर है, ठीक है, ऊपर से आपका फीडिंग वगैरह करने के लिए भी स्पेस है, नीचे इसका इस तरीके से नेट होगा, है ना। अब नीचे से देखो नेट खुला होगा तो फिशेज तो मूव कर जाएगी ना, फिशेज तो निकल जाएगी, क्योंकि देखो आपका जैसे ये एरिया आप देख रहे हो ना, ऐसा नहीं है कि आपने पूरे के पूरे पॉन्ड में ही आपने केज कल्चर लगा दिया, आप किसी एक पर्टिकुलर एरिया में लगाओगे। ठीक है, जनरली इसको हम रिजर्वायर्स वगैरह में करते हैं कि आपका क्या हो, वाटर भी जो है फ्लो होता रहे और साथ में फिशेज भी कल्टिवेट हो सके। ठीक है, तो इतने एरिया में लगाओगे तो ये आपका आपका क्या हो गया, फ्लोटिंग मटीरियल हो गया। ठीक,
उसी से आपने क्या बांध रखा है नीचे, नेट बांध रखा है, तो नेट भी आपका नीचे से नेट भी क्लोज रहेगा, ठीक है, और ऊपर से भी जनरली हल्का सा नेट लगा रहता है और ऊपर से भी क्लोज होता है, ठीक है। ये लाइन इसके बारे में इंपॉर्टेंट है, वाटर इज इनक्लोज्ड ऑन ऑल साइड्स। पॉन्ड के केस में ऑल साइड नहीं है, आपके पेन कल्चर में भी ऑल साइड नहीं रहेगा, बट केज कल्चर की बात करें तो वाटर आपका जनरली क्या होगा, चारों तरफ से इनक्लोज्ड होगा, ठीक है। तो देखो इसमें केज कल्चर थोड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अभी काफ़ी चल रहा है ना, गवर्नमेंट वगैरह क्या करती है, टेंडर्स निकालती हैं, ये जो रिजर्वायर्स वगैरह डैम वगैरह है ना, तो वहाँ पे जो रिजर्वायर्स वगैरह हैं, तो वहाँ पे केज कल्चर करने के लिए गवर्नमेंट क्या करती है, टेंडर्स वगैरह निकालती है, लोग अप्लाई वगैरह करते हैं और फिर वहाँ पर क्या करते हैं, केज कल्चर करते हैं, है ना, काफ़ी बेनिफिट आता है केज कल्चर से। तो इसलिए ये थोड़ा सा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अभी काफ़ी इंटेंसिव कल्चर है, बहुत सारी फिशेज को आप ग्रो कर सकते हो इसके अंदर, ठीक। तो ये आपका फ्लोटिंग मटीरियल है, ठीक है, इसमें नीचे क्या लगा होगा, नेट लगा होगा, ओके। और इसको आपने मूरिंग सिस्टम, मतलब इसमें जो आपने रॉप्स वगैरह यूज कर लिए है ना, ये सब आपका जो ये सब ये सारी चीज़ें हो गई, ये आपका मूरिंग सिस्टम के अंडर आ गया, ठीक है। केस सिस्टम को हम थोड़ा सा डिटेल में देख लेते हैं, पिछले साल क्वेश्चन आया था। और देखो यहाँ पे हमने तो चलो ठीक है थोड़ा सा एडवांस मटेरियल यूज़ कर लिया है, पर जनरली आप लोग फ्लोटिंग ड्रम्स वगैरह यूज़ कर सकते हो, स्टायरोफॉम यूज़ कर सकते हो, है ना, आप HDPE वगैरह की मटेरियल्स भी यूज़ कर सकते हो। मेन ऑब्जेक्टिव क्या है कि वो ढंग से फ्लोट होना चाहिए, है ना, और हमें बहुत ज़्यादा कॉस्टली भी नहीं पड़ना चाहिए, ठीक है। ठीक है, अभी आते हैं उसको थोड़ा डिटेल में देखेंगे, ठीक है। आप पेन कल्चर की बात करते हैं, पेन कल्चर में देखो आपका क्या हुआ, पेन कल्चर में आपका क्या हुआ, ये थोड़ा सा पुरानी प्रैक्टिस है और ये थोड़ा सा आपको रूरल एरियाज में थोड़ा ज़्यादा देखने को मिलेगा ना, बिहार बिहार में थोड़ा सा ये कॉमन प्रैक्टिस है। यहाँ पे क्या करते हैं, ये देखो इन्होंने बैम्बू यूज़ किया है, कई बार तो कुछ जगह मेटल भी यूज़ करने लगे हैं, है ना, यहाँ पे बैम्बू जैसे यूज़ किया हुआ है और क्या क्या हुआ, ये नेट बांधा हुआ है, ठीक है, नेट बांधा हुआ है, ये नेट का है आपका एकदम बॉटम तक नेट जाएगा, आपका एकदम बॉटम तक नेट जाएगा, और फिर नीचे इन्होंने फिर से कुछ मटेरियल रखा हुआ है उस नेट को दबाने के लिए, ठीक है। उस नेट को क्या किया है, यहाँ पे दबा दिया है, ताकि क्या होगा, फिर से जब पूरा क्रॉस नहीं कर सकती इसको, ठीक है। और क्या करते हैं, ऐसे ही आप लोग ये बैम्बू का जो स्ट्रक्चर है ना, इसी तरीके से एक कन्फाइंड एरिया कर देते हैं इसको भी, ठीक है, इधर भी आपने ये बैम्बू लगा दिया और इधर भी क्या हो गया, नेट लग गया, ठीक है। तो ये पर्टिकुलर एरिया आपने क्या कर दिया, ओवरऑल एरिया में से अलग कर दिया, किसकी हेल्प से, बैम्बूज और नेट की हेल्प से, ठीक है। दिक्कत वही है कि अब थोड़ा सा मान लो कि करंट वगैरह ज़्यादा हो गया तो आपका क्या होगा, बैम्बू गिर जाएगा, है ना, नेट गिर जाएगा, तो ये थोड़ी सी प्रॉब्लम इसमें ज़्यादा है, ठीक। तो ये आपका पेन कल्चर है, पेन कल्चर समझ में तो आगे ना, बेसिक क्या है कि आपने बस बैम्बू और नेट का यूज करके क्या किया, एक पर्टिकुलर एरिया को इनक्लोज कर दिया, अब इसी के अंदर फिश का कल्चर होगा, इसी के अंदर फिश ग्रो करेंगे, ठीक है। उन फिशेज के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो फिशेज आपकी रनिंग वाटर में ही सर्वाइव कर सकती हैं, ठीक है, थीके? क्योंकि फिर उन्हें पॉन्ड्स वगैरह में ब्रीडिंग वगैरह जनरली नहीं करेंगी, उनको रनिंग वाटर चाहिए अगर ब्रीडिंग के लिए तो चाहिए, वहीं वो सर्वाइव करती हैं। तो वहाँ पे आपका केज कल्चर हो गया, आपका ये पेन कल्चर हो गया, तो ये वहाँ पे थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इनमें देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ें यही थी हमने जब बात कर ली इसकी, आपकी केज कल्चर की। देखो बाकी तो कहानी लिखी हुई है, जो बोला वही लिखा हुआ है, ठीक है, वो आप अपने हिसाब से देख लेना। वाटर इंक्लोज्ड ऑन ऑल साइड आपका केज कल्चर में इंपॉर्टेंट लाइन है, और अगर हम बात करें पेन कल्चर की तो वाटर आपका लगभग इसमें भी बंद है, बट आपके बॉटम में क्या है, जो लेक का बेड है ना, वही आपका नीचे का सरफेस है, ठीक है, नीचे कोई नेट नहीं लगा हुआ है, नीचे आपका बस लेक का डायरेक्ट बेड आ जाएगा, ठीक है। पॉन्ड के केस में भी आपका नीचे लेक का बेड आ जाएगा और ऊपर खुला हुआ है, ठीक है, इतना समझ आया ना, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आगे हम थोड़ा सा और देखते हैं इसको, केज कल्चर को, ठीक है। हाँ, इसकी ओरिजिन ध्यान में रखना है ना, लगभग 200 या फिर 200 ही था आई थिंक, है ना, 200 ईयर्स एगो आई थिंक ये कंबोडिया में ओरिजिनेट हुआ था, ठीक है, ध्यान में रखना है कहाँ ओरिजिनेट हुआ है, ये कंबोडिया में ओरिजिनेट हुआ था, ठीक है। बाकी वही चीज़ लिखी हुई है, बस एक चीज़ और लिखी है यहाँ पे कि फ्रेश फ्लो ऑफ वाटर, है ना, उसी तरीके से इसको पोजिशन किया जा रहा है केज कल्चर केजेस को, कि उसका जो नेचुरल करंट है उसी को यूटिलाइज अच्छे से किया जा सके, वेस्ट मटेरियल भी थोड़ा सा रिमूव हो जाएगा और आपका ऑक्सीजन वगैरह सब कुछ रिन्यू होता रहेगा, ठीक है, ठीक है, केज कल्चर में, ठीक है। अब देखो केज कल्चर जो हमने अभी देखा था उसमें क्या क्या था, सबसे पहली चीज़ तो उसका एक फ्लोटिंग फ्रेम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, फ्लोटिंग फ्रेम जैसे वो फ्लोट करेगा। दूसरा क्या है, उसका नेट मटेरियल जो उसमें नीचे नेट लगा हुआ है, ठीक है, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, नेट मटेरियल। उसके बाद मूरिंग सिस्टम, यानी कि आपका रॉप हो गया, है ना, बोएंसी के लिए आपने कुछ चीज़ें यूज कर ली और एंकर वगैरह जो भी हो गया आपका, ठीक है, जो आप ये केज आपका ये जो फ्लोटिंग सिस्टम वगैरह है ना, आप नेट वगैरह है, इनको आपस में आप होल्ड करके किससे रखोगे, मूरिंग सिस्टम से होल्ड करके रखोगे, ठीक है। तो ये तीन चीज़ें इसकी, एक फ्लोटिंग फ्रेम आपका हो गया, ठीक है, नेट मटेरियल्स आपके हो गए, नेट मटेरियल्स, नेट आप
देखो आप ये जनरली ऐसे आप रेक्टेंगुलर भी दे सकते हैं, ये जनरली आपका ऐसे इसको सर्कुलर भी दे सकते हैं ना, तो आपका नेट भी इसमें थोड़ा सा सिलेंड्रिकल फॉर्म में हो जाएगा, ठीक है, इतना कुछ खास नहीं इसमें, बट इतना बस ध्यान में रखना है। मूरिंग सिस्टम नया वर्ड अगर लग रहा है तो इसका मतलब बस सिंपल सा ही है कि आप जो रॉप्स वगैरह यूज करोगे उसको टुगेदर होल्ड करने के लिए, ठीक है, तो ये आपका मूरिंग सिस्टम है। बाकी वही लिखा है कि आप केज सिस्टम को क्या कर सकते हो, रिजर्वायर्स हो गया आपका जनरली, है ना, रिवर लेक्स में भी कर सकते हो। सी में रिसेंटली इंडिया में, मतलब बहुत पहले से नहीं था, सी में भी आजकल धीरे धीरे, है ना, आपके जो इंस्टीट्यूट्स वगैरह हैं वो सी वगैरह में भी अब एक्सपेरिमेंट करने लगे हैं, फिशेज का कल्चर केज कल्चर में वो वहाँ पे भी अब करने स्टार्ट हो चुका है, ठीक है। ठीक है, अभी यहाँ पे वही मटेरियल वाला सिस्टम ही चल रहा है, ठीक है। देखो कॉलर आपका कुछ नहीं है, जो आपका इसमें लिखा हुआ है केज कल्चर की अगर हम बात करें, कॉलर आपका वही है जो आपके जो ऊपर आपका फ्लोटिंग मटेरियल लगा है ना, उसको बस सपोर्ट देने का जो एक फ्रेम है, एक स्ट्रक्चर है, वही हो गया आपका क्या, कॉलर हो गया, ठीक है, वही चीज़ लिखी हुई है। जनरली आपका जो पहले आपका बहुत इजीली कंस्ट्रक्ट किया जाता था, आपने नॉर्मल बैम्बू या वुड से वो पूरा फ्रेम बना दिया, ठीक है, अभी आप थोड़ा सा एडवांस हो तो आप बाकी और भी कई चीज़ें यूज़ कर सकते हो, जैसे कि आयरन वगैरह यूज कर सकते हो, एचडीपी के पाइप यूज़ कर सकते हो ना, एचडीपी क्या हुआ, हाई डेंसिटी पॉली इथाइलिन, है ना, नॉर्मली आपका एक तरीके से कह सकते हो प्लास्टिक ही हुआ थोड़ा हाई डेंसिटी का, ठीक है। तो ये वही चीज़ है कि एचडीपी पाइप्स वगैरह यूज कर लिया, मेन एम क्या है यहाँ पे, हमें बस एक फ्रेम देना है ना, जो फ्लोटिंग स्ट्रक्चर जिसमें रहेगा उसके लिए एक फ्रेम देना है, तो उसी को हमने कॉलर बोल दिया, ठीक है, तो ऐसा वर्ड दिखे तो कन्फ्यूज नहीं होना है। दूसरा आपका फ्लोटेशन सिस्टम, मतलब फ्लोट करने के लिए हम लोग क्या मटेरियल यूज कर रहे हैं, पिछले साल जो एफओ का क्वेश्चन था वो यही था, ठीक है, वो यही था। तो इसमें आप देख सकते हो यहाँ पे जो लिखा हुआ है, या एम्प्टी बैरल्स या ड्रम्स यूज कर सकते हो, समझ आ रहा होगा, एम्प्टी बैरल्स होगा वो फ्लोट करेगा, ठीक है, तो आप कई सारे अगर ड्रम्स वगैरह यूज कर रहे हो, है ना, बंद कर रखे आपने तो फ्लोट करेगा वो, तो आप उसको फ्लोटिंग मटेरियल के लिए यूज कर सकते हो, है ना, ये लाइन इंपॉर्टेंट है, याद रखनी है ये वाली लाइन। दूसरी वाली लाइन ही थी जो आपका डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन था, ठीक है, कि आप हाई डेंसिटी पॉलीथाइलिन ड्रम्स, प्लास्टिक के ड्रम्स आप ऐसे यूज कर सकते हो, ठीक है, फाइबर ग्लास हो गया, स्टायरोफोम हो गया, ठीक है, ये सारी चीज़ें आप लोग यूज कर सकते हो, जो आपको थोड़ा सा चीप पड़ जाएंगी और आपके ये फ्लोटिंग के लिए अच्छा रहेगा, जल्दी खराब भी नहीं होंगी, ओके, तो ये याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन पिछली बार एफओ में पूछा हुआ था कि आपके ड्रम्स हो गए, आपके फाइबर ग्लास स्टायरोफोम हो गए, तो ये आपका केज सिस्टम में किसके काम आएंगे, आपके कॉलर के काम आएंगे, आपके जस्ट सिंकर यूज होते हैं या फिर फ्लोटिंग के काम आते हैं ना, तो उसका आंसर क्या था, फ्लोटिंग के काम आते हैं, ठीक है, समझ आ रहा है ना, ठीक है, फास्ट हो रहा होगा तो बताना मुझे एक बार, ठीक है, फास्ट हो रहा होगा तो बताना, क्योंकि आपका क्या हुआ, ये आपका कॉलर हो गया एक तरीके से जो हमने बना दिया किसके लिए, होल्ड करने के लिए, ठीक। फिर हमने क्या किया, एचडीपी आपका हाई डेंसिटी पॉलीथाइलिन के ड्रम्स ले लिए या फिर स्टायरोफोम किसी भी चीज को हमने ले लिया और इसमें क्या कर दिया, रख दिया स्ट्रक्चर्स में, अब ये क्या करेगा, ये वाटर के ऊपर फ्लोट कर जाएगा, ठीक है, और उसके बाद हमारा क्या बच गया, नेट और बच गया, आपका नेट भी जो जनरली होता है वो भी आपका एचडीपी का, हाई डेंसिटी पॉलीथाइलिन का होता है ना। खैर देखो मार्केट में तो बहुत सारी वैरायटी मिलती है, ठीक है, बहुत सारी वैरायटी मिलती है, तो कॉमनली जैसे एचडीपी वगैरह के यूज कर लेते हैं, तो नीचे आपका नेट हो गया एचडीपी मटेरियल, ठीक है, आपका नीचे क्या हो गया, आपका नेट हो गया, और क्या बचा फिर, सिंकर, सिंकर। देखो क्या है कि नेट की भी ऐसी कोई बहुत ज़्यादा डेंसिटी नहीं है कि वो एकदम नीचे की तरफ ही रहे, तो कुछ सिंकर्स यूज कर लेते हैं, यहाँ पे इन्होंने लिखा है कि जनरली क्या यूज कर लेते हैं सिंकर्स के लिए, स्टोन्स यूज कर लेते हैं, कि स्टोन्स बांध दिए तो आपका जो नेट है वो क्या रहे, थोड़ा सा नीचे की तरफ रहे, करंट वगैरह आए तो फिर ऐसा भी नहीं कि करंट आए तो पूरा ही ऊपर की तरफ उठ गया, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए, तो इसलिए एज अ सिंकर हमने स्टोन्स वगैरह को यूज कर लिया, ठीक है, तो स्टोन्स को यहाँ पे ऐसे इस तरीके से बांध दिया ताकि वो नेट भी अपनी थोड़ी सी पोजिशन में भी रहे, ठीक है, समझ आया ना, सिंकर्स ध्यान में रखना है, लगभग 8 सिंकर्स पर केज रफली इतना लग जाता है यहाँ पर, ठीक है, उसको होल्ड करने में, ठीक है, समझ आ रहा है, ऑनलाइन वालों आ रहा है, फास्ट तो नहीं हो रहा, आ रहा है ना, सबको आ रहा है, ठीक है।